में बीजेपी आज से बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत खुद बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से करेंगे। अमित शाह शाम 4 बजे दिल्ली के लाजपत नगर इलाके से नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन के लिए घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे, जबकि जेपी नड्डा गाजियाबाद, राजनाथ सिंह लखनऊ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से जन जागरण अभियान चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पंचकुला में नागरिकता कानून के समर्थन में जन जागरण अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में केंद्रीय मंत्री और दूसरे बीजेपी के नेता इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। इस अभियान के जरिए बीजेपी नागरिकता कानून को लेकर फैलाई गई अफवाह को दूर करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस पार्टी एनआरसी के नाम पर, एनपीआर के नाम पर लोगों को बहका रही है और दूसरी तरफ प्रियंका जी मुजफ्फरनगर तो जा रही हैं, लेकिन कोटा में जो मासूम बच्चे मरे हैं उनके परिवार से मिलने क्यों नहीं जा रही, ये देश जानना चाहता है। उधर अमेरिका के वॉशिंगटन, जॉर्जिया और शिकागो में भारतीय समुदाय के लोगों ने नागरिकता कानून के समर्थन में एक मार्च निकाला। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपने हाथ में तख्तियां ले रखी थी, जिनमें नागरिकता कानून के समर्थन में नारे लिखे थे। इस दौरान लोगों ने सीए के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नारे लगाए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें आपके सामने, तीनों तस्वीर अमेरिका की। एक तरफ आप वॉशिंगटन की तस्वीर देख रहे हैं, दूसरी तरफ जॉर्जिया और शिकागो की तस्वीर भी आपके सामने, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में नारे लगाए। एक मार्च निकाला गया इन लोगों की तरफ से और हाथों में तख्तियां ली हुई थी इन लोगों ने, जिस पर नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में नारे लिखे हुए थे। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ भी लोगों ने नारे लगाए। हम लोग इंडियन सीनियर्स ऑफ शिकागो के हैं, जो हम मानव सेवा में आए हैं। हाँ जी। और वहाँ से हम लोग डाउनटाउन जाएंगे, वहाँ सीएए और सब जो है उनके सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा। हमारे साथ ज्यादातर लोग हैं जो इधर इकट्ठे हुए हैं और दूसरी वहाँ से भी बसें आने वाली है, जो बसें में भी आदमी आ रहे हैं, वहाँ जाके हम सपोर्ट करेंगे और सबको बताएंगे कि हम जो यूएसए में रहते हैं, शिकागो में रहते हैं, वो हम ये जो सीए है उनको हम अपना सपोर्ट दे रहे हैं, इसी वजह हम जा रहे हैं। बीजेपी ने देश भर में नागरिकता कानून के समर्थन में जो अभियान शुरू किया है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसकी शुरुआत कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लोगों से मुलाकात करके नागरिकता कानून के बारे में बात की। इस दौरान लोगों ने सीएम योगी को फूल भी दिए। नागरिकता संशोधन कानून के तहत उत्तर प्रदेश में 50,000 लोगों को नागरिकता दी जाएगी। यूपी के पीलीभीत में 37,000 से ज्यादा पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थी हैं, जिनमें 37,065 लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इस मामले में सीएम योगी के निर्देश पर एक सूची भी तैयार की जा रही है। इसके अलावा हापुड़ से भी 500 लोगों को नागरिकता दी जाएगी। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर एक बार फिर पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला। ओवैसी ने पीएम मोदी पर संविधान के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। ओवैसी के मुताबिक नागरिकता कानून और एनआरसी के मुद्दे पर सरकार की तरफ से ही झूठ बोला जा रहा है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने चुनौती देते हुए कहा कि पीएम मोदी सार्वजनिक तौर पर एनआरसी नहीं लाने का ऐलान करें। मैं चैलेंज कर रहा हूं हिंदुस्तान के वजीर आजम को, मिस्टर मोदी, ये देश आपसे पूछना चाहता है कि क्या आप 2024 तक संविधान के लिहाज से आप प्रधानमंत्री रहेंगे, तो क्या आप एनआरसी करेंगे या नहीं करेंगे, बताइए देश को। कह दीजिए कि नहीं करेंगे, अमित शाह कह दो कि नहीं करेंगे, नहीं अभी नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे देश में, पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, माहौल गर्म है, लोग गुस्से में हैं, तो कह रहे अभी नहीं करेंगे। भारतीय मुस्लिमों को लेकर हमदर्दी का नाटक करने और यूपी पुलिस के नाम पर फर्जी वीडियो ट्वीट करने पर ओवैसी ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पर हमला किया है। ओवैसी ने इमरान पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय मुसलमानों को भारत का होने पर गर्व है और वो 1947 में ही जिन्ना पैगाम ठुकरा चुके हैं। ओवैसी ने इमरान को पाकिस्तान के मुस्लिमों की फिक्र करने की नसीहत भी दी। मिस्टर खान, यू वरी अबाउट योर ओन कंट्री।
Mr. Khan, we would like to tell you, don't ever remember us. We have rejected the paigham, the message, the wrong theory of Jinnah. शिवसेना ने देश में हो रहे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर सीधे हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी कहते हैं छात्रों का काम आंदोलन करना नहीं है, लेकिन इतिहास बताता है कि छात्रों ने ही सबसे बड़ा इतिहास रचा है। संजय राउत ने दावा किया कि जिस कानून से सबको डर है उसका असर देश के 30% हिंदुओं पर भी पड़ेगा। राउत के मुताबिक जब जामिया यूनिवर्सिटी में पुलिस घुसी थी तब उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले आपत्ति जताई थी। शिवसेना नेता ने कहा कि जो सच्चा हिंदुस्तानी है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं और ये देश सबका है। जिस कानून के बारे में आप सबके मन में डर है वो कानून सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, 30% हिंदू भी, 30% हिंदू इस देश, चाहे असम हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, 30% हिंदू ही उसके नीचे आने वाले हैं और इस सब के लिए खतरे की घंटा बज रही है। राजस्थान के कोटा के बाद जोधपुर में भी इलाज के दौरान 140 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। हालांकि ये आंकड़ा जिले के एस एम मेडिकल कॉलेज और उससे जुड़े दूसरे अस्पतालों को मिलाकर बताया जा रहा है, लेकिन सिर्फ उम्मेद अस्पताल में ही दिसंबर महीने में 41 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है, जो इलाज की उपलब्ध व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि मेडिकल कॉलेज का दावा है कि जिन बच्चों की मौत हुई है उन्हें बेहद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जोधपुर के मेडिकल कॉलेज में हर साल करीब 50,000 बच्चों को इलाज के लिए लाया जाता है। हॉस्पिटल का नहीं, एक हॉस्पिटल का नहीं, जैसे अगर आप उम्मीद का देखते हैं तो उम्मीद नर्सरी में 41 डेथ है। वैसे मैं समझता हूँ कि बच्चों की डेथ्स को थोड़ा सा अगर हम लोग, मुझे ठीक नहीं लगता कि आंकड़ों में इस तरह से बात करना, हर बच्चा प्रेशस है, लेकिन अगर वैसे आप पूछ रहे हैं तो इट इज़ ओनली 41 इन उम्मीद हॉस्पिटल नर्सरी। आई शुड नॉट से 41 ओनली, बिकॉज इवन 41 इवन एवरी चाइल्ड, फॉर अस एवरी चाइल्ड इज इंपॉर्टेंट। एंड लेट मी टेल यू, हम 600 ग्राम 700 ग्राम के बच्चे में भी पूरी जान लगाते हैं कि हम हर बच्चे को बचा लें, किंतु कुदरत का नियम है कि सभी बच्चों को नहीं बचाया जा सकता। कंडीशन में आते हैं कि हम अपने प्रयासों से कई कई बार मरीजों को तो हम बचा लेते हैं पर बच्चे हम लोग खो देते हैं, क्योंकि हर महीने करीब 40-42 ये आंकड़ा ही रहता है, कभी कम भी हो जाते हैं 33-37 डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ डिलीवरीज, तो थोड़ा सा आंकड़ा पर रहता है करीब करीब इतना ही। राजस्थान के कोटा के बाद अब बीकानेर में अस्पताल में बच्चों की मौत की खबर है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में दिसंबर के महीने में 162 बच्चों की मौत हो चुकी है, तो बीकानेर का यह मामला है और पीबीएम अस्पताल में 162 बच्चों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा दिसंबर का है। कोटा में जहां 107 बच्चों की मौत हो चुकी है दिसंबर से लेकर जनवरी तक, और इस सब के बीच बीकानेर में भी इसी तरह का मामला सामने है और यहां पर जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो है 162 बच्चों की मौत का। आइए बढ़ते आगे। इराक में अमेरिका के हमले में ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी के मारे जाने के 48 घंटे के भीतर ही बगदाद में अमेरिका के दूतावास और अमेरिकी फौज के ठिकाने के पास रॉकेट से हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी दूतावास और अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर ये मिसाइल दागी गई थी। खास बात यह कि अमेरिकी दूतावास बगदाद के बेहद सुरक्षित इलाके में है, इसके बावजूद रॉकेट से हमला किया गया। ईरान के कमांडर सुलेमानी के अमेरिकी हमले में मारे जाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बेहद बढ़ गया है। इराक के बगदाद में अमेरिकी दूतावास और एयरबेस के नजदीक रॉकेट हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी और उन्होंने कहा कि इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमले को अमेरिका पर हुआ हमला माना जाएगा और उसका कड़ा जवाब भी दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा, उन्होंने लिखा, ईरान के 52 अहम ठिकाने हमारे निशाने पर हैं, इनमें से कुछ ईरान और ईरान की संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम इन पर बहुत तेज और विध्वंसक तरीके से हमला करेंगे, अमेरिका अब और खतरे नहीं चाहता। बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी कासिम सुलेमानी के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। इस दौरान हसन रूहानी ने कासिम सुलेमानी की मौत पर दुख जताया। वहीं कासिम सुलेमानी की बेटी जैनब सुलेमानी ने हसन रूहानी से सवाल पूछा कि उनके पिता की मौत का बदला कौन लेगा। इस सवाल के जवाब में हसन रूहानी ने कहा कि हर कोई कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेगा।
गुरुग्राम में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 9 साल के मासूम को अगवा कर उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। मासूम के चेहरे को बुरी तरह से पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या की गई। हत्या से पहले आरोपी बच्चे को ले जाता हुआ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। बच्चे की हत्या गुरुग्राम के मानेसर इलाके में की गई है। परिवार का आरोप है कि जब वो बच्चे के गायब होने की शिकायत करने गए तो पुलिस ने उन्हें डांटकर भगा दिया। हालांकि बच्चे का शव मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यही नहीं, बच्चे की हत्या क्यों की गई इसकी वजह भी पता नहीं चल पाई है। रात को 9:15 बजे के बाद वो बच्चा गायब हो गया, तो हम लोग ढूंढे, बहुत ढूंढे, नहीं मिलने के बाद 100 नंबर पर कॉल किया, और 100 नंबर पर कॉल करने के बाद जिप से आई मेरे यहाँ पे और वहाँ पे पूछी कि क्या हुआ, तो हमने बोला कि से एक बच्चा 8 साल का था जो 9:30 बजे से गायब है, वो मिल नहीं रहा है। हम लोग तमाम प्रयास कर लिए, नहीं मिला। उसके बाद उसने कहा कि बच्चे पैदा करके छोड़ देते हो पुलिस के हवाले और 100 नंबर पर जब मर्जी जब फोन घुमा देते हो। उत्तराखंड के नैनीताल में नए साल की पहली बर्फबारी होने से सैलानियों के चेहरे खिल उठे। नैनीताल में बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया और मकानों के साथ पेड़ों पर बर्फ की सफेद चादर फैली दिखाई दी। बर्फबारी से वहां सैलानी बहुत ज्यादा खुश नजर आए और बताया गया कि इस बर्फबारी से पहले कुछ लोग नैनीताल से वापस लौटने वाले थे, लेकिन बर्फबारी के बाद उन्होंने वहां कुछ और दिन रुकने का फैसला किया। बर्फबारी से कई जगह सड़कों पर बर्फ भी जमी दिखाई दी। सड़क पर फैली बर्फ पर एक जगह तो एक गाड़ी फिसलती हुई भी नजर आई। नैनीताल में बर्फ पड़ने से तापमान और गिर गया है। मौसम विभाग ने नैनीताल में अभी और भी बर्फबारी होने की उम्मीद जताई। तो मौसम विभाग कह रहा है कि अभी और बर्फबारी हो सकती है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ना, इस साल की ये पहली बर्फबारी नैनीताल में, जहां मौसम को खुशनुमा कर दिया, तो वहीं सैलानियों के चेहरे पर भी खुशी ला दी। वो सैलानी जो कि पहुंचे थे यहां की खूबसूरती को निहारने के लिए, और उस वक्त नैनीताल की खूबसूरती और भी खूबसूरत हो गई जब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। एक्चुअली में तो मैं जिंदगी में पहली बार बर्फ देखने, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम लोग वैसे दिल्ली से हैं और यहाँ यही सोच कर आए थे कि बर्फबारी होगी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक बार फिर हुई बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। लगातार हो रही बर्फबारी से सड़कों पर कई फीट तक बर्फ की सफेद चादर जमी हुई दिखाई दी। मुनस्यारी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कों पर इसका खासा असर पड़ा। मुनस्यारी में बर्फबारी से कालामुनी रोड बंद हो गया और इस रोड के बंद होने से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कतें पेश आईं। उन्होंने प्रशासन से बंद सड़कों को खोलने की मांग भी की। मुनस्यारी में बर्फबारी की वजह से चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई, जिससे वहां के लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। हालांकि इस बर्फबारी से वहां पहुंचे सैलानी काफी खुश नजर आए। सैलानी खुश हैं, लेकिन रास्ते बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। सड़कों पर बर्फ की कई फीट मोटी चादर दिखाई दे रही है, जिससे आगे बढ़ पाना बेहद मुश्किल है। और ऐसे में लोगों की तरफ से प्रशासन से ये मांग की गई कि जल्द से जल्द रास्तों को खोला जाए। पिथौरागढ़ में जो बर्फबारी हुई है, उसका सबसे ज्यादा असर मुनस्यारी से जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कों पर पड़ा। यहाँ पे 2-3 मशीनें लगाया जाए, ताकि जो है यहाँ के जो पर्यटक हैं, जो यहाँ के लोकल जो लोग हैं, उनको मोटर मार्ग खुले और मोटर मार्ग का सुविधा मिल सके। इतना सुंदर, इतना अच्छा और इतनी अच्छी जगह है मुनस्यारी कि ऐसा लग रहा है कि मानो हम लोग जन्नत में आ गए। और इस बीच आइए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान एक बच्ची को दुलार करते नजर आए। जनता दर्शन में अपनी फरियाद लेकर आए एक परिवार की बच्ची से सीएम ने उसके स्कूल का हाल पूछा। सीएम ने बच्ची से सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले स्वेटर और किताबों को लेकर भी सवाल किए। और दाल भाजी मिलता है और फल भी कभी मिलता है। दूध, तूने दूध बोला नहीं पहले,
तो खिचड़ी का ही नाम लिया है, खिचड़ी तुझे अच्छा नहीं लगता होगा ना, क्यों तुझे अच्छा नहीं लगता है। केरल के वायनाड में कुएं में गिरे एक तेंदुए को वन विभाग की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस तेंदुए के कुएं में गिरे होने की जानकारी उस वक्त मिली जब कुछ लोगों ने कुएं में गिरे तेंदुए की आवाज सुनी और उसके बाद लोगों ने तेंदुए को निकालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहने पर वन विभाग और पुलिस की टीम को वहां पर बुलाया गया। वन विभाग ने तेंदुए को बेहोश कर रस्सी की मदद से उसे बाहर निकाला। बताया गया कि तेंदुए की मेडिकल जांच के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने आतंकी साजिश से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की। जम्मू कश्मीर के अब से आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान कई बार आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर चुका है और इसी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए सेना के जवानों ने ये मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल के दौरान सेना के जवानों ने घुसपैठ को नाकाम करने के गुर दिखाए। इस मॉक ड्रिल में जवान रेंगते हुए आगे बढ़े और दुश्मन को पलक झपकते ही मार गिराया। सेना के जवानों ने पाकिस्तान की हर साजिश से निपटने के लिए खुद को तैयार बताया। जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है तब से पाकिस्तान की बेचैनी बेबसी बहुत बढ़ चुकी है, जिसके कारण वो निरंतर इस तलाश में है कि किसी प्रकार से एलसी पे अपना जो उसका नेफेरियस डिज़ाइन है उनको अंजाम देने के लिए, चाहे वो सीज फायर वायलेशन हो या चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन के अटैम्प्ट हो। पर मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो इंडियन आर्मी है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस समय बिल्कुल मुस्तैदी से तैनात है और किसी भी अटैम्प्ट का को सक्सेसफुल नहीं होने दिया जा रहा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। गुजरात के कच्छ में ग्राम पंचायत के कर्मचारी ने थाने में घुसकर पुलिस वालों के साथ हाथापाई की। बताया गया कि इस आदमी ने पुलिस वालों पर हमले करने का आरोप लगाया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में वो पुलिस वालों के साथ हाथापाई करते नजर आया। थाने में पहुंचे इस आदमी ने पहले दो पुलिस वालों से बातचीत की और फिर अचानक एक पुलिस वाले पर हमला बोल दिया। इस दौरान वहां मौजूद कांस्टेबल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उनसे हाथापाई करता ही रहा और थाने के अंदर बवाल बढ़ता देख जब दूसरे पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे और मारपीट करने वाले व्यक्ति को हटाने के लिए पूरा जोर लगाया, इसके बावजूद भी वो पुलिस वालों को छोड़ने को तैयार नहीं था। काफी देर चले इस हंगामे के बाद किसी तरह उस आदमी को काबू कर थाने में बंद कर दिया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब इस शख्स को रोका जा रहा था पुलिस वालों को पीटने से, लेकिन बावजूद इसके ये शख्स पुलिस वालों को छोड़ने को तैयार नहीं था। हालांकि काफी देर तक ये हंगामा चला और उसके बाद किसी तरीके से इस आदमी को कंट्रोल किया गया और फिर थाने में बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल ने घेराबंदी की है, वहां दो आतंकियों के छिपे होने की खबर है। ये इस वक्त की अहम खबर, बारामूला में दो आतंकी छिपे हो सकते हैं, इस तरह की खबर मिली है। और इस सब के बीच आपको बता दें, दरअसल बारामूला में आतंकियों के घुसे होने की इस वक्त की बड़ी खबर और इस बीच सुरक्षा बल लगातार कोशिश कर रहे हैं इन आतंकियों तक पहुंचने की। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रिफत, क्या जानकारी? एरिया है पट्टन के करीब है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहां पे स्पेसिफिक शायद इन्फॉर्मेशन मिली है आर्मी सीआरपीएफ और पुलिस को कि वहां पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। बताया जा रहा है कि दो मिलिटेंट के छुपे होने की खबर सुरक्षा बलों को मिली है और इस वक्त कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन रोक किया गया है। हो सकता है कि वहां पे एनकाउंटर भी हो और अभी लगातार सर्च की जा रही है कि आखिर कहां पे छुपे हुए हैं। तो जिस तरीके से आपको मालूम है काफी देर तक सस्पेंड किए गए थे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस, लेकिन दो तीन दिन से लग रहा है कि फिर से कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस का सिलसिला जारी किया गया है। तकरीबन जिस तरीके से डीजीपी ने भी कहा कि 250 के करीब मिलिटेंट यहाँ पे अभी भी कश्मीर घाटी में मौजूद है, तो इस तरीके से अब देखना होगा कि क्या फिर से जिस तरीके से 5 अगस्त से पहले कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन और एनकाउंटर शुरू हो जाते थे, क्या फिर से वो सिलसिला शुरू किया गया है, क्योंकि काफी देर तक ये सिलसिला थमा था। तो आज अब दो मिलिटेंटों की खबर बताई जा रही है कि पलहालन में छुपे हुए हैं, यही वजह है कि कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि शायद एनकाउंटर भी वहां पे हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि एनकाउंटर भी हो, क्योंकि दो आतंकियों के छिपे होने की खबर है और इस सब के बीच सुरक्षा बल ने घेराबंदी कर दी है। बिहार के भागलपुर में चोरों ने एक बंद पड़े घर में घुसकर लाखों रुपए की चोरी की। बताया गया कि घर का मालिक मध्य प्रदेश के बैतूल में अपने परिवार के साथ रहता है और इसी बात का फायदा उठाकर चोरों ने पूरी तसल्ली के साथ घर के सभी तालों को तोड़कर चोरी की। चोरी की वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिखा कि चोरों ने पहले लोहे की रॉड से दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ा और फिर अंदर दाखिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने चेहरों को ढका हुआ था और एक एक कर घर के सभी कमरों में लगे तालों को इसी तरीके से उन्होंने तोड़ा, जिसके बाद कीमती सामान चुराकर फरार हो गए।
उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद के जिला अस्पताल में एक डॉक्टर और दूसरे स्टाफ पर शराब के नशे में होने का आरोप लगाकर लोगों ने हंगामा किया। बताया गया कि इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात एक डॉक्टर और कुछ स्टाफ शराब पीकर ड्यूटी कर रहे थे, जिस पर मरीज के घर वाले भड़क गए और उन्होंने आरोपी डॉक्टर और अस्पताल कर्मियों को घेर लिया। साथ ही आरोप लगाया कि शराब के नशे में होने की वजह से मरीजों के इलाज में लापरवाही बरती गई। मरीज के घर वालों ने इसका वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया, जिसके बाद ये मामला जिले के डीएम तक पहुंचा और उन्होंने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। क्या कह रहे हो कि बाहर निकलो, तुम कौन हो? आप बताओ क्या कह रहे हो? हाँ, ट्रीटमेंट चल रहा, क्या कह रहे हैं? शराब पी के चलेंगे, ये शराब पी के बैठेंगे यहाँ पे ड्यूटी टाइम, ये बताओ। इसके संबंध में मैंने सीओ साहब से कह रखा है, हमने कहा इसको देखें इस पूरे मामले को, और ये बहुत ही आपत्तिजनक है। कोई व्यक्ति और एक चिकित्सक जो कि काफ़ी हाईली क्वालिफाइड होता है व्यक्ति, उसको इस तरह की इसका काम नहीं करना चाहिए, और इससे बहुत ख़राब मैसेज जाता है, और इसकी जांच हम करवा रहे हैं, इसी के माध्यम से हम कार्रवाई करेंगे। पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन की इमारत का एक हिस्सा अचानक से ढह जाने से दो लोग जख्मी हो गए। बताया गया कि हादसे वाली जगह पर मरम्मत का काम चल रहा था और इसी बीच रेलवे स्टेशन की इमारत का एक हिस्सा भरभराकर नीचे गिर पड़ा। हादसे के वक्त वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाते वहां धुएं का गुब्बार छा गया, जिससे लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई, वो इधर उधर भागने लगे। हादसे वाली जगह से दूर खड़े कुछ लोग इस घटना का वीडियो भी बनाते नजर आए। इस हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव की टीम वहां पर पहुंची। सबसे पहले घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं स्टेशन परिसर में गिरे मलबे को भी हटाने का काम शुरू किया गया, क्योंकि जहां मलबा गिरा था वहीं से प्लेटफॉर्म पर जाने का रास्ता भी था। हालांकि प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए दूसरे जो रास्ते थे उनको भी खोल दिया गया था। रेलवे अधिकारियों की माने तो इस हादसे से ट्रेनों की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ा। यूपी से इस वक्त की अहम खबर, खुफिया एजेंसियों के मुताबिक यूपी के बस्ती जिले में दो आतंकी छिपे हैं। बताया जा रहा है कि ये आतंकी नेपाल भागने की तैयारी में है। ये आतंकी पहले पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में देखे गए थे, और जानकारी ये भी कि आतंकी आईएसआईएस से जुड़े हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन और अब्दुल समद नाम के इन आतंकियों की तलाश खुफिया एजेंसियों ने शुरू कर दी है। नेपाल के पास सिद्धार्थनगर समेत जिलों में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि ये वो जिले हैं जो नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं और यहाँ से ये नेपाल जाने की फिराक में थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। ये दोनों आतंकी आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं और इनकी तलाश अब तेज कर दी गई है। बताया जाए कि उत्तर प्रदेश के बस्ती में ये दो आतंकी दाखिल हुए हैं। दो वांटेड टेररिस्ट हैं और साउथ से ये लिंक रखते हैं, और इनके नेपाल भाग जाने की आशंका को देखते हुए जो नेपाल के बॉर्डर के जनपद है उनको अलर्ट जारी किया गया था, ये कहीं देखते हैं तो उनको अप्रिहेंड कर लिया जाए। तो हमारे यहाँ संत सिद्धार्थनगर जिला के बॉर्डर नेपाल से लगता है, तो वहाँ पर संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इनका पता नहीं चल पाया है। एक अब्दुल समद है और एक रियाज करके है। राजस्थान में उदयपुर के कंडाल गांव में एक तेंदुए के दिखने से हड़कंप मच गया। ये तेंदुआ कई घंटे तक एक पेड़ पर बैठा रहा, जिसे नीचे उतारने के लिए मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पेड़ से नीचे उतारने की कोशिश भी शुरू की, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी तेंदुआ वहां से नीचे नहीं उतरा। इस दौरान वहां मौजूद एक आदमी ने पेड़ पर बैठे तेंदुए पर पत्थर भी फेंका, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तेंदुए के पेड़ पर होने की खबर के बाद वहां बड़ी संख्या में लोग जुट गए। हालांकि वन विभाग की टीम ने लोगों को मौके पर नहीं जाने दिया और काफी देर बाद तेंदुआ खुद पेड़ से उतरकर जंगल की तरफ चला गया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक दारोगा पर नशे की हालत में अपनी सर्विस रिवॉल्वर से फायरिंग करने का आरोप लगा। बताया गया कि जब दारोगा एक मिठाई की दुकान में पहुंचा तो उसने शराब पी हुई थी और अचानक ही उसने अपने रिवॉल्वर से दुकान के अंदर ही फायरिंग कर दी। इस दौरान गोली लगने से दीवार में छेद हो गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई। जब दारोगा पर नशे की हालत में फायरिंग करने की बात पुलिस के बड़े अधिकारियों तक पहुंची तो उस पर तुरंत कार्रवाई की गई। गोरखनाथ शुक्ला ये हमारी पुलिस लाइन में तैनात हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। इनको हमने सस्पेंड कर दिया है तत्काल प्रभाव से। ये भी मैंने निर्देशित कर दिया है RI को कि इनको कभी भी असलाह ना दिया जाए, क्योंकि दारू के हालत में ये दुकान में जा कर के, वैसे ही इन्होंने किसी को टारगेट नहीं किया, वैसे ही इन्होंने फायर किया है, लेकिन ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है, इसके लिए मैंने इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हमले के बाद अब पाकिस्तान अपने करतूत पर पछता रहा है। पाकिस्तान में जिस आदमी ने ननकाना साहिब पर हमले के लिए लोगों को भड़काया था, उसने आखिरकार माफी मांग ली। हमला करने वाले शख्स ने वीडियो जारी कर ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हमले के लिए माफी मांगी है। इससे पहले शुक्रवार को उसी शख्स का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो लोगों को ननकाना साहिब गुरुद्वारे के खिलाफ भड़का रहा था और गुरुद्वारे का नाम बदलने की धमकी दे रहा था। तो दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक वो वीडियो जब ये शख्स भीड़ का नेतृत्व कर रहा था, वो भीड़ जो कि ननकाना साहिब गुरुद्वारे पहुंची और पत्थरबाजी की, हमला किया। इस सबके बीच अब ये दूसरा तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जब भीड़ का नेतृत्व कर रहा हमले का ये आरोपी, जिसने अब माफी मांग ली है। दोस्तों, जैसे आपने कल का वाकया देखा, मैं जज्बात में काफ़ी सारी बातें कर गया, जिसमें सिखों के बारे भी की और गुरुद्वारे के बारे भी की। कतन हमारा इरादा ना था ना किया है कि हम गुरुद्वारे का घेराव करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, ना हमने किया है ना करेंगे। मैं जज्बात में काफ़ी सारी बातें कर गया सिखों के बारे। अगर किसी की भी की दिल आज़ारी हुई हो, जिस जगह पर भी रहता है, तो मैं माजरत करता हूँ। ये हमारे भाई थे, भाई हैं और इंशाल्लाह ताला रहेंगे, और जैसे हम पहले इनकी इज्जत करते थे वैसे ही करेंगे। उधर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आरोपी के माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को ननकाना साहिब पर हमले के लिए माफी मांगनी चाहिए। पूरे सिख भाई के लिए वो बहुत, पूरी दुनिया के लिए वो एक बहुत पाक जगह है, और वहाँ जिस तरह से पाकिस्तानियों ने हरकत की, अब इमरान खान, जनरल बाजवा और वहाँ की ISI अपना चेहरा छुपाने के लिए उसी दंगाई से माफ़ी मंगवा रहे हैं, इमरान नाम का जो व्यक्ति था। लेकिन माफ़ी इमरान खान को मांगनी चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, 5 हत्याओं से दिल्ली संगम नगरी, प्रयागराज संगम नगरी में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है। एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, ये खबर इस वक्त की प्रयागराज से मिल रही है, जहां पर 5 हत्याओं को दिया गया है अंजाम। 5 हत्याओं से संगम नगरी दहल गई है, और बताया जा रहा है कि जिन 5 लोगों को मारा गया है, वो सभी 5 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं।